काफी स्टूडेंट्स की तरह आपको भी लगता है कि ये तीनों जो पेपर्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है। देखने में तो ऑलमोस्ट ये पेपर सेम लगते हैं, बट जैसे आप इन्हें पिक करते हैं तो इनका टेक्सचर और वेट आपको डिफरेंट लगेगा। जब भी आप कोई ड्रॉइंग पेपर ले रहे हो तो उसको आप दो चीज से जज कर सकते हैं। पहला तो उसका पर मीटर स्क्वायर वेट कितना आ रहा है, एंड देन उसका टेक्सचर कैसा है। जैसे अगर आपको चाकूल या फिर नॉर्मल कलर पेंसिल से ड्रॉइंग या स्केचिंग करनी है तो उसके लिए ये कैनन का 180 ग्राम पर मीटर स्क्वायर वाला पेपर सही रहेगा। यहाँ पे आपको फाइन एंड मीडियम ग्रेन्स मिलते हैं। बेसिकली इससे ना जो चाकूल और जो पेंसिल के लेड होता है उसके पार्टिकल्स को पेपर पे पकड़ मिलेगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं, तो नहीं गाइस, वाटर कलर के लिए एक बिल्कुल अलग पेपर आता है। यहाँ पे आपको जो वेट मिलेगा वो 300 ग्राम पर मीटर स्क्वायर मिलेगा, मतलब एक नॉर्मल पेपर से ऑलमोस्ट डबल। अगर आप नॉर्मल पेपर पे वाटर कलर पेंटिंग करते हैं तो पूरा जो आपके कलर्स है वो ब्लीड होकर पीछे वाले सर्फेस पे आ जाएंगे। तो ये सभी पेपर ऑप्शन आपको कैंसर में मिल जाएंगे। यहाँ पे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड यहाँ पे अलग अलग साइजेस में आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी पेंटिंग के हिसाब से आप परफेक्ट साइज इसका पिक कर सकते हैं।